कम से कम समय में कम से कम समय में आपका चैप्टर फिफ्टीन चैप्टर सिक्सटीन एंड चैप्टर नंबर इन तीनों का तूफान करा दूं, well है? आपकी एग्जाम एक सेकंड तो तो आप क्या कर सकते हैं जी अगर अगर सबसे अगर, 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 पहले आपकी प्रिपरेशन एकदम तूफान चल रही है यो लाइको like बहुत भयंकर तरीके से आता है अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टर्स बहुत ही प्यारे ढंग से आता है आपको लगता है कि नहीं सर डायरेक्टर से कैसा टॉपिक है एग्जाम में बहुत स्कोरिंग एंड आई कैन दिस वीडियो इन कवर चैप्टर ये दोनों नेक्स्ट डे कल ही आपको 16 का वीडियो भी मिल जाएगा अगर तो देखोगे तो 16 एक बड़ा चैप्टर है और 15 और 18 कंपैरेटिवली छोटे चैप्टर हैं तो हमारी इच्छा रहेगी कुछ दो ढाई घंटे में 2.5 आवर्स के आसपास आपका 15 और 18 कंप्लीट हो जाए और इतने ही समय में कुछ दो घंटे में

कंपनी हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 149 149 से से सीरीज सीरीज स्टार्ट होती है अगर आपने देखी तो आपके दिमाग में पूरा 149 से लेकर एंड तक का पूरा याद होगा नॉमिनेशन रेमेशन कमेटी पावर ऑफ बोर्ड रेस्ट्रिक्शन पावर ऑफ बोर्ड और 181 182 183 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन देखो याद बहुत आसान है याद रखना 181 से 183 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन 181 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू बोनाफाइट चैरिटेबल ट्रस्ट 182 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड 183 टॉक्स अबाउट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल डिफेंस फंड एटीएस तो 181 182 183 181 चैरिटेबल फंड 182 पॉलिटिकल uh, so कंट्रीब

और उसके ऊपर आ जाते हैं तीन सेक्शन आइसोलेटेड से वन थर्टी फाइव टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप सबसे पहले यह ध्यान रखो कि सारे सेक्शन अच्छे दिमाग में चिपके हुए है, 135 CSR, 149 कंपनी टू है बताएंगे मिनिमम डायरेक्टर कितने डायरेक्टली 165 सिक्स डायरेक्टरशिप नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप राइट

अबाउट बोर्ड मीटिंग की बात है एक चीज बड़ी क्लियरली बता देता हूं कभी कभी स्टूडेंट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, हैं। समझना से आपको यहां पर प्रोविजन मिलते हैं कुछ तो कंपनी और कुछ प्रोविजन आपको दिख रहे हैं एलओडीआर के एलोडीआर क्या है लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन और रैदर आई शुड राइट द इंटायर नेम के कुछ प्रोविजन कुछ प्रोविजन दिख रहे हैं सेबी एलओडीआर 2015 के रेगुलेशन अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल पे क्या ध्यान रखना है हमको ऑल द कंपनी जितनी भी कंपनीज भारत में है यस yes. जितनी भी कंपनीज भारत में है ऑल द कंपनीज हैव टू

तो ये हो गया कि सारी कंपनीज को कंपनी करना है और जो लिस्टेड कंपनी है उसको के साथ साथ एलओडीआर के प्रोविजन भी कंप्लाई करने हैं चलो लोग आगे देखते हैं चैप्टर शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है हाँ। 149 में 149 सेक्शन उसका फर्स्ट बात करते हैं मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर भैया ये अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा बट सुन लो एक बार हर एक

हाँ, और किसी को लगता है कि वो 1.5x पॉइंट फाइव को समझ पा रहा है तो वाजीवा मजे लो फिर कोई परेशानी नहीं, नहीं है ठीक है यहां पे हमने अपना मिनिमम डायरेक्टर मैक्सिमम डायरेक्टर मिनिमम डायरेक्टर वन टू थ्री ओपीसी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी मैक्सिमम डायरेक्टर इज डायरेक्ट वॉर्डीन मैक्सिमम डायरेक्टर इज वॉर्ड फिफ्टीन बट द लिमिट ऑफ कैन बी इंक्रीज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन चलिए उसके बाद में

Every company needs to have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year Her company who comes to a director the financial year may 182 days India may so every company needs to have one resident director What do you mean by resident director director who has stayed in India for 182 or more days easy? then the specified companies needs to have even one woman director स्पेसिफाइड कंपनीज डी टू तो ऑल कंपनीज और मोर तो तो हर कंपनी पेड अप कैप 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर हर कंपनी इसका टर्न ओवर थ्री हंड्रेड करोड़ उससे ज्यादा है एकदम अस्ति में हर एक लिस्टेड कंपनी हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैप

स्पेशल रिजोल्यूशन से बढ़ाए जा सकते हैं सेक्शन सेक्शन-8 कंपनी पे लिमिट 15 की आती नहीं है वो कितने भी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकता है इवन विदाउट पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर दैट एवरी कंपनी नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हुआ स्टेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट वन डेज इन द फाइनेंशियल ईयर उसके बाद में आता है वुमन डायरेक्टर फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज नीड्स टू हैव एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर दैट इज कंपनीज विच आर लिस्टेड या फिर कंपनीज विच आर पीडअप कैपिटल हंड्रेड्स टू और मोर

उस पर आपको वोमन डायरेक्टर को अपॉइंट कर देना अगर कभी इंटरमीडिएट वेकेंसी हो गई तो उसके बाद में आप सुनो 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 जो जो पार्ट मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया यह मैंने देखो लेफ्ट एंड साइड में इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने रेड में हाईलाइट किया, किया मतलब ये वो है जो लिस्टेड कंपनीज के प्रोविजन लोडियर का कहता है रोको इस पार्ट को मैं थोड़ा सा स्किप करता हूं अभी के लिए

तो अगर मैं एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर हूं तो मेरी ट्वेंटी में से एक लिमिट एग्जॉस्ट होती है अगर मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर हूं तो भी मेरी ट्वेंटी में से एक लिमिट एग्जॉस्ट होती है लेकिन अगर मैं डॉर्मेंट कंपनी का डायरेक्टर हूं या सेक्शन एट कंपनी का डायरेक्टर हूं तो मेरी एक भी लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती आई रिपीट अगेन अ पर्सन कैन बी डायरेक्टर इन मैक्सिमम ट्वेंटी आउट ऑफ विश टेन कैन बी पब्लिक कंपनीज और यहां पर अगर मैं एक डॉर्मेंट कंपनी का डायरेक्टर हूं या फिर मैं एक आ,

दट अ पर्सन कैन बेक्ट एन मैक्सिम टेन कंपनीज आउट ऑफ विच फाइव कैन बी पब्लिक कंपनीज तो कैन वी रिड्यूस द लिमिट फॉर आर डायरेक्टर्स ये अंपनी कैन रिड्यूस दिलिट फॉर इट्स डायरेक्टर बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन वंडरफुल ठीक है सेक्शन एट पर एप्लीकुल मैंने आपको बताया

सिक्योरिटी इशू करने की पावर बोरो करने की पावर इन्वेस्ट करने की पावर लोन देने की पावर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अबोर्ड रिपोर्ट अप्रूव करने की पावर डाइवर्सिफाई करने की पावर अमाल कमीशन मर्जर अप्रूव करने की टेक ओवर करने की पावर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन वन ना टू के अंदर उसके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन करने की पावर टू अपॉइंट और रिमूव के की पावर अपॉइंट रिटर्न ऑडिटर सेक्रेटरी ऑडिटर ये जो पावर्स है यार हो सारे के सारे ये पावर्स जो है दिस कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग ऑफ क्शन वन सेवेंटी नाइन आर द कैन पॉर्साइज ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग अब देखो टेक ओवर करने की पावर है बायबैक करने की पावर है सिक्योरिटी इशू करने की पावर है अपॉइंट रिमूव के एम की पावर है इंटरनल ऑर्डर सेक्रेट ऑर्डर को अपॉइंट करने की पावर है तो ये सारी जो पावर्स हैं दीज कैन बी एक्साइज ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग ठीक है रुकना वन सेवेंटी नाइन अब थोड़ी सी बात डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ बोर्ड सर ये जो पावर बोर्ड की है क्या बोर्ड डेलीगेट कर सकता है क्या जी हाँ बोर्ड चाहे तो बोरो करने की पावर इन्वेस्ट करने की पावर लोन गारंटी सिक्योरिटी देने की पावर, वापस एक बार, बोरो करने की पावर इन्वेस्ट करने की पावर लोन गारंटी सिक्योरिटी देने की पावर डेलीगेट कर सकता है बोर्ड चाहे तो बोरो करने की पावर इन्वेस्ट करने की पावर लोन गारंटी सिक्योरिटी देने की पावर डेलीगेट कर सकता है टू होम टू एनी कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी तो काम, अगर डायरेक्टर चाहते हैं अपनी इस पावर को डेलीगेट करना तो वो कमिटी को मैनेजिंग डायरेक्टर को या किसी ऑथोराइज डायरेक्टर को अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं क्लियर है बोर्ड रेजोल्यूशन अब यहाँ पे इजी टू को चलता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है समझना अच्छे सेक्शन वन सेवेंटी नाइन में हमने क्या पढ़ा वन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ बोर्ड पावर ऑफ बोर्ड तो बोर्ड के पास ये सारे पावर है जो कि वो बोर्ड मीटिंग पे एक्सरसाइज कर सकता है उसके बाद में वो पावर को डेलीगेट भी कर सकता है मैंने आपको पढ़ा है बोरो करने की पावर इन्वेस्ट करने की पावर लोन गारंटी सिक्योरिटी पावर डेलीगेटेबल है ये इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स से बच्चों घर पे परेशानी देता है सुनना आपने क्या करना है वंस दिस सेशन इज ओवर जैसे ये लेक्चर खत्म होता है इस लेक्चर के बाद में आपने एक बार ये पूरा जो मैं आपको कंटेंट पढ़ा रहा हूं मॉड्यूल से ही चाहो तो नोट से जहां से आप चाहो अगर आप चाहते हैं मॉड्यूल से ही रीड इट आउट वंस एंड यूल बी सुपर शॉर्ट सुपर सॉर्टेड राइट चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने क्या पढ़ लिया वन फोर्टी नाइन वन पढ़ लिया 165 पढ़ लिया उसके बाद तो में 179 पढ़ लिया अब हम 180 पे जा रहे हैं जैसे ही 180 जाता है फिर बचा क्या है 181 182 183 विल बी सुपर सॉर्टेड सर बीच में दो कमिटीज पढ़ेंगे ना दो नहीं चार कमिटीज पढ़ेंगे बीच में रुक जाओ आ जाओ रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड सबसे लेके किन-किन चीजों पे

0.75 पर देख सकता है यार without 180. स्पेशल रेजोल्यूशन ये कुछ पावर हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे कि बोर्ड के पास हैं, लेकिन ये चार केसेस में उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद ही पावर एक्सरसाइज कर सकता है जैसे कि पहला टू सेल लीजर डिस्पोज अंडरटेकिंग अगर कोई भी कंपनी अपने किसी भी अंडरटेकिंग को सेल लीज या पूरा डिस्पोज करना चाहते हैं तो उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा रुकना अभी कभी भी कंपनी अगर बोरो करना चाहते हैं तो उसको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर कभी भी रेमिट कर रहे हैं टाइम देना चाहते हैं डायरेक्टर को रिपे करने के लिए उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा और अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा एज पर सेक्शन कहता है कि कुछ चीजें करने के लिए बोर्ड को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा एक एक करके डिस्कस करते हैं पहला

वहां से आपकी टोटल इनकम का 20 परसेंट जनरेट होता है या फिर आपके टोटल नेटवर्थ का 20 परसेंट वहीं पर है दोनों में से एक भी जगह पे हो जाएगा तो उसे बोलेंगे एक सेपरेट अंडरटेकिंग जिसको सेल डिस्पोज करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा आई रिपीट अगेन अगर कोई ऐसा हमारा छोटा मोटा अंडरटेकिंग है जहां से हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आता है टोटल रेवेन्यू का टू परसेंट वहां से आता है ठीक है हमारे टोटल नेटवर्थ में थ्री परसेंट करता है वो तो इस अंडरटेकिंग को बेचने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है ओनली सच अंडरटेकिंग जहां पे 20% परसेंट का लिमिट आएगा तो इन्होंने डिफाइन ही कर दिया अंडरटेकिंग क्या होता है इन्होंने कह दिया कि अंडरटेकिंग का मतलब एक ऐसा अंडरटेकिंग जहां से या तो वो यूनिट से वो अंडरटेकिंग से आपका ट्वेंटी और टोटल इनकम जनरेट होता है या फिर आपकी कंपनी की टोटल नेटवर्थ है उसमें से 20 परसेंट नेटवर्क तो वहीं से कंट्रीब्यूट होती है तो 20 परसेंट का रूल है या तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ इनकम में कंट्रीब्यूट करता हो 20 परसेंट ऑफ नेटवर्थ में कंट्रीब्यूट करता हो दोनों में से एक भी जगह कॉन्ट्रीब्यूट अंडरटेकिंग अंडर पे और ऐसी किसी अंडरटेकिंग को सेल डिस्पोज या लीज पे देने से पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा फर्स्ट लिमिट सेकेंड आप कभी भी बोरो करना चाहते हैं कितना देखो ध्यान से इफ मनी टू बी बोरोड प्लस मनी ऑलरेडी बोरोड Is more than aggregate of its paid-up share capital free reserve securities premium. If the money already borrowed along with the money to be borrowed is more than companies paid-up capital free reserve securities premium, companies paid up capital free reserve securities premium, companies paid up capital freeze of securities premium, companies paid, paid, paid up capital free reserve securities premium. If the amount already borrowed along with the amount to be borrowed is more than paid-up capital free reserve securities premium. इन सर्कमस्टांस में आपको स्पेशल रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा तो अगर कभी आप बोरो कर रहे हैं तो ठीक है लेकिन आप बोरो कितना कर रहे हो अपने एक्सिस्टिंग से ज्यादा बोरो कर रहे हो। तो उस केस में आपको लेना होगा स्पेशल रेजोल्यूशन पहले इसके बाद में इफ यू टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन सिक्योरिटी मर्जर मर्जर कारण आपको बहुत सारा पैसा मिला है और वो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो एनी वेर अदर सिक्योरिटी तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मतलब अगर आप वो पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ट्रस्ट सिक्योरिटी में अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो ट्रस्ट सिक्योरिटी में जो मर्जर से आया है मर्जर अमाल से बहुत सारा पैसा आया है और आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रस्ट की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं मर्जर से बहुत सारा पैसा आया है आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रस्ट की सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर मर्जर अमाल मिशन से बहुत सारा पैसा है और आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और लास्ट आता है कि अगर कभी भी डायरेक्टर को उनका लोन रीपे करने के लिए आप और एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो डायरेक्टर डायरेक्टर को के पेमेंट करने के लिए आप कर रहे हो कि मत करो या दे रहे हो इसके लिए भी आपको special resolution पास करना होगा ये चार चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड कर सकता है बट ओनली स्पेशल रेजोल्यूशन और इसके लिए 179 और 180 चिपक के साथ में आते हैं जैसे कि यारो, हमने भी हमने तक क्या पढ़ा पढ़ा समझो अच्छे से 149 165 ये दोनों बताया एक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे मैक्सिमम डायरेक्टर कितने होंगे अब 165 एकदम रिलेटेड सेक्शन है एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है ये आया उसके बाद में आया 179 एंड 180 179 कहता है पावर ऑफ बोर्ड 180 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड 179 कहता है पावर ऑफ बोर्ड 180 कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड बहुत ही जबरदस्त हाँ इसके बाद में वन एटी वन के पूरे सेक्शन चालू जाएंगे लेकिन रुक, रुक जाओ रुक जल्दबाजी नहीं करने की जल्दबाजी नहीं करने की हमको ठीक है बहुत ईजी है वन एटीन वन एटी टू वन एट थ्री इतने ईजी है कि मैं आपको क्या बताओ वन एटीन वन एट वन एटी थ्री से आसान सेक्शन मैंने कभी नहीं देखे वन एटीटी वन वन एटी टू वन एट थी चलो पहले आपको ये भी बता देता हूँ फिर बोर्ड कमिटीज की ओर जाएंगे चलो वन एटी वन एटी टू वन एटी थ्री से आसान सेक्शन ही नहीं है इधर वन एटी वन वन एटी टू वन एटी थ्री एटी वन टबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन

फाइव परसेंट ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रिसीडिंग थ्री इय आप कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपटू फाइव परसेंट ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिटिंग थ्री इयर्स मियरली बाई पासिंग अ बोर्ड रेजोल्यूशन बहुत से ज्यादा आसान अरे बहुत आसान और वहीं अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं मोर देन फाइव परसेंट ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रिस थ्री इयर देन यू हैव टू पास अ शेयर होल्डर रेजोल्यूशन ये कहता है 181. 181 कहता है कि कोई भी कंपनी को कंट्रीब्यूशन करना है अरे अच्छा काम है कहीं आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी ऑर्फनेज में कंट्रीब्यूट कॉन्ट्रीब्यूट करो कहीं भी कोई भी चैरिटेबल या कोई भी ट्रस्ट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो आप कर सकते हो अपू फाइव परसेंट ऑफ योर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर करना चाहते हो तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हो जाएगा उससे ज्यादा मोर देन फाइव परसेंट एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिटिंग थ्री करना चाहते हो तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा बहुत ईजी है यस yes, सर सरप्राइजिंग देखो अगला वन एटी टू वन एटी टू कहता है कि अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्ट्रीब्यूट करना है कोई टेंशन नहीं है नो no लिमिट किसी भी लिमिट तक का कर सकते हैं बाय बोर्ड बोर्ड रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन से आप कितना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो यहां पर छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखना है कि पूरा ट्रांजेक्शन अकाउंट पे ही से ही होगा ठीक है नेट बैंकिंग से होगा आप कैश वगैरह में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते डीडी अकाउंट पे ही या नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं उसके बाद में ध्यान रखना है कि आप ये जो सेक्शन 182 एटी टू कॉन्ट्रीब्यूशन दो कंपनी को नहीं कर सकते एक ऐसी कंपनी जो एक गवर्नमेंट कंपनी है और एक ऐसी कंपनी जिसको इनकॉर्पोरेट हुई अभी तक दो साल से कम समय हुआ है देखो ध्यान से मैंने हाईलाइट करके दिया आपको अच्छे से तीन साल से कम समय हुआ है किसको अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी को कभी भी आप कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते और कोई भी ऐसी कंपनी जिसको तीन साल से कम हुआ इनकॉर्पोरेट हुए मतलब कोई भी कंपनी इसकी एज थ्री ईयर से कम है वहां पे भी आप 182 एटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते और एक गवर्नमेंट कंपनी को भी आप 182 एटी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे सकते फिर ट्रांजेक्शन अकाउंट पे से ही होगा हमेशा अकाउंट पे ड्राफ्ट से हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से हो सकता है एंड इट हैज टू बी ऑथोराइज बाय बोर्ड दैट इज समथिंग एव ऑलरेडी रोली बोर्ड ऑथराइज कर सकता है शेयर होल्डर का अप्रू लेने की जरूरत भी नहीं है मतलब समझ रहे हो अगर एक कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट परसेंट करना पॉलिटिकल पार्टी को बोल्ड कर सकता है लेकिन वही अगर आपको किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में करना है शेयर होल्डर का पर्पूर, पर्पूर, आपको अप्रूवल लगेगा अमेंडमेंट हुआ था कुछ साल पहले यहां पे चलो जाने दो 181 कंट्रीब्यूशन वन टू एनी चैरिटेबल फंड

तो वो भी पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है आप सीधा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ खर्चे हैं पैम्पलेट्स है वो आप डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं उसका खर्चा आप उठा रहे हैंट्रीब्यूशन और आपको अपने पी में क्लियरली पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ेगा ठीक है चलिए बड़े मजे में और इसके बाद में आगे आता है टॉपिक ऑफ कमिटीज़ कमिटीज़ स्टार्ट करने के पहले ना कमिटी स्टार्ट नहीं करेंगे कमिटी स्टार्ट नहीं करेंगे हम ले स्टार्ट कमिटी स्टार्ट 177 178 पढ़ने के पहले 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 हम लोग आते हैं जो ग्रीन पार्ट हमने छोड़ा था उसको कंप्लीट करते हैं अब देखो यारो कंपनी से क्या कहता है वो तो कंठस्थ है

सुना मेरी बात को ध्यान से अब मैं अगले दस मिनट जो बोलने वाला हूं आर ओनली फॉर लिस्टेड नॉर्मल कंपनी प्रोविजन मैंने आपको पढ़ा ठीक है लिस्टेड कंपनी अगर आपकी है तो प्रोविजन क्या कहता है सुनना अच्छे से लिस्टेड कंपनी तो कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसा होना चाहिए एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव का विद एटलीस्ट वन वुमन डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी के अंदर एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए ओके

लिस्टेड कंपनीज में भी जो टॉप लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए डिफरेंट प्रोविजन हैं तो टॉप लिस्टेड कंपनीज में तो कह रहे हैं कि वन इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर चाहिए तो नॉर्मल कंपनी है आपकी तो ठीक है तो हमने पढ़ा प्रोविजन लिस्टेड कंपनी है तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए और अगर टॉप थाउजेंड लिस्टेड कंपनी में से एक कंपनी आपकी तो वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए ठीक है अब ये तो ईजी था अभी तक क्या पढ़ाया ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होना चाहिए

तो एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड शेल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो टोटल डायरेक्टर्स थर्ड इंडिपेंडेंट ठीक है टोटल डायरेक्टर शुड भी इंडिपेंडेंट सर अगर हमारा डायरेक्टर हमारा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है लेकिन प्रमोटर से रिलेटेड है या बीओडी से बीओडी से रिलेटेड है तो भी फिफ्टी परसेंट इंडिपेंडेंट नहीं समझा सुनना चार्ट से समझो अब मैं आपको क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए समझना अच्छे से अगर कंपनी के अंदर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो नॉर्मली आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है इजी है चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अगर चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिफ्टी परसेंट इंडिपेंडेंट डरेक्टर समझ में आया क्या अगर आपका चेयरमैन चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है हा तो वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से काम हो जाएगा और चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है तो कम से कम हाफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगेंगे ठीक है सर सर मान लो चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है लेकिन ही इज रिलेटेड टू प्रमोटर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट नॉट मोर देन वन लेवल बिलो बीओडी मैनेजमेंट में क्या हो गया नॉट मोर देन वन लेवल बिलो बीओडी कि जो बीओडी के जस्ट नीचे वाले लेवल है उनसे रिलेटेड है तो अगर हमारा चेयरपर्सन भली नॉन एग्जीक्यूटिव एक्जीक्यूटिव डरेक्टर प्रमोटर्स रिलेटेड है बीओडी से रिलेटेड है, है वन लेवल बिलो बीओडी से रिलेटेड है इन लोगों को भी फेंको हाफ की कैटेगरी में दे हैव टू अपॉइंट हाफ डायरेक्टर्स एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हाफ ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ठीक है ठीक है ठीक है सर समझ में आया ठीक है और इसके अलावा एक और छोटी सी बात है अगर कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए तो भी हाफ ऑफ द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स तो अब सवाल आ रहा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए अगर हमारी कंपनी का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो प्रमोटर से रिलेटेड भी नहीं है बीओडी से रिलेटेड भी नहीं है वन लेवल बीओडीडी से भी रिलेटेड नहीं है ऐसा भी इशू नहीं किया है ओनली देन वन थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बाकी सब केसेस में हाफ ऑफ द रूर डेव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स

उसके बाद में क्या आता है है हाँ, वाला पॉइंट पढ़ा दिया हाँ, कोई भी नॉन डायरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी एज 75 से ज्यादा अगर आप किसी भी नॉन डायरेक्टर को ऐसा करना चाहते हो जिसकी एज 75 से ज्यादा स्पेशल रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही आप के साथ कर सकते हैं, 75. उसके बाद में

नंबर ऑफ़ हमने क्या पढ़ा कि एक व्यक्ति मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है ट्वेंटी का आउट ऑफ 10 टेन भी पब्लिक कंपनीज बिल्कुल सही है और इसके अंदर सेक्शन 8 कंपनी आती नहीं है डोरमेंट कंपनी आती नहीं है ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आती है अब हम पढ़ रहे हैं है लिस्टेड कंपनी कहता है पर्सन शेल नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन सेवन लिस्टेड एंटिटीज एक व्यक्ति सात से ज्यादा लिस्टेड एंटिटीज के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकता तो एक व्यक्ति टोटल बीस कंपनी में डायरेक्टर बन सकता था आउट ऑफ विच टेन कैन बी पब्लिक टोटल बीस डायरेक्टर बन सकता हूं सिर्फ सात लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं पर्सन कैन बी डायरेक्ट मैक्सिम सेवन लिस्टेड कंपनी ओके वन फर्दर दस नॉट सर्विस इंडिपेंडेड डरेक्टर मोर के डायरेक्टर नहीं बन सकते इंडिपेंडेड डायरेक्टर नहीं बन सकते तो वहीं अगर आप किसी एक के मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बन गए अगर आप किसी कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डरेक्टर बन गए तो ये मत सोचना तो छपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे नहीं अगर आप किसी कंपनी के होल टाइम डरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए तो फिर आप सिर्फ तीन और लिस्टेड कंपनी में काम कर सकते हो इन एनी लिस्टेड कंपनी नॉट मोर देन थ्रीड्रीज एक बार बोलता हूं पर्सन कैन वर्क एज डायरेक्टेड मैक्सिमम सेवनिटीजन मैक्सिम सेक्टर इनिटीपेंडेंट डायरेक्टर इन मोर देन थ्रीड एंटिटी अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हैं मैक्सिम तीन कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर सकते हैं ये अडिशनल हो गया फिर पार ऑफ बोर्ड हो गया अब यहां से चैप्टर का दूसरा सिरा शुरू होगा बोर्ड कमेटी मैं भी कह रहा हूं अगर कोई व्यक्ति एकदम तूफान ऐसा लगा बहुत हैवी हो गया तो यहीं पे वीडियो को पॉज कर लो वीडियो को पॉज करने के बाद क्या करो इतना चैप्टर एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करके आ जाओ क्योंकि चैप्टर के आगे बात लाऊंगा बोर्ड कमेटी और आई थिंक ट्वेंटी मिनट्स के अंदर पूरा पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे सिर्फ बोर्ड कमिटी की बात बचा क्या है हमने देखो वन लिया नाइन पढ़ लिया वन लिया फाइव पढ़ लिया लन पढ़ लिया सिर्फ वन सेवन तो पढ़ना यस वी विल चलिए चलो आशा करता हूं कि तूफान तरीके से पढ़ाई चल रही है जिन व्यक्तियों को पॉज लेना था उन्होंने पॉज लेके मस्ती से रिवाइजन कर लिया और कुछ लोग तूफान मोड़ में कि लेक्चर खत्म करेंगे तो वो लोग भी मेरे साथ में आगे बढ़ रहे हैं बोर्ड कमेटी बोर्ड कमेटी के अंदर समझना अच्छे से यहां पे मॉड्यूल ने बहुत ही अच्छा काम किया पहले उस चीज को बता 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 के किया है और उसी के चार्ट भी दे दिया है हमारे लिए बहुत आसान जाएगा सारी कमेटी इसको रिवाइज करने के लिए सबसे उन्होंने आइडिया दिया कि कमेटी क्यों फॉर्म की जाती है एक्सेट्रा 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 नीड फॉर बोर्ड कमिटी फंक्शन ऑफ बोर्ड कमिटी थियोरिकल पॉइंट है पावर ऑफ बोर्ड टू फॉर्म कमटी बोर्ड जब चाहे कमिटी फॉर्म कर सकता और यहां से टॉपिक शुरू होता है ऑडिट कमेटी अच्छे से देखो कितनी कमिटीज है समझना अच्छे से ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन ऑडिट कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन ग्रीन हाईलाइट एलओडीआर क्या कहता है लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑडिट कमेटी कैसी होनी चाहिए उनका कोरम क्या होता है फंक्शन रोल ठीक है उसका लोड नहीं लेना है हमको पावर क्या होती है ऑडिट कमेटी डिस्कलोजर क्या होता है फिर आता है विजिल मैकेजम ठीक है और फिर यहां पर आता है समझना कंपेरिजन ऑफ ऑडिट कमेटी तो इन्होंने कैसे किया अच्छे से ऑडिट कमेटी के बारे में कंपनीज एक्ट क्या कहता है और एलओडीआर का कहता है जो भी पिछले दो तीन पेज में लिखा था उसी की समरी यहां पे दे रखी है तो आपके लिए रिवाइज करने के लिए तूफान तरीके से उन्होंने हंड्रेड परसेंट फोकस ऑन द स्क्रीन विजिल मैकेनिज्म को अलग से पढ़ेंगे हम लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑडिट कमेटी की ऑडिट कमेटी के अंदर कंपनीज एक्ट बात करते हैं अंडर सेक्शन सेवन ऑफ कंपनीज एक्ट दे टॉक अबाउट ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन और एलओडीआर कहता है कि हर लिस्टेड कंपनी को रेगुलेशन नंबर एटीन के हिसाब से ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी होती है अगर आपको याद होगा अच्छे से

every public company who has which has a paid up capital of 10 crore or more every public company which has a turnover of 100 crore or more and every public company which has outstanding loan debenture deposit of 50 crore or more 10 crore 100 crore 50 crore paid up capital turnover and outstanding loan debenture deposit ठीक है बेटा जी ये हो गया applicability, फिर आता है मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी ऑडिट कमेटी मेंबर कौन बनेंगे सुना अच्छे से द ऑडिट कमेटी शैल कंप्राइज ऑफ मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग मेजॉरिटी

सबसे पहले रेगुलेशन 18 ऑफ कहता है कि ऑडिट कमेटी होनी चाहिए किसमें? ऑल द लिस्टेड वंडरफुल। अब मेंबर कैसे होंगे यहां था एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स टू थर्ड शेल डायरेक्ट इंडिपेंडेंट वहां पर मेजोरिटी शुड भी इंडिपेंडेंट यहां पर डायरेक्टर्स टू भी इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी के लिए ऑडिट कमिटी में टू थर्ड तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए और अगर इस लिस्टेड कंपनी ने ऐसा रिक्यूटेशन इशू किए देन ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ ऑडिट कमिटी ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हाँ चेयर पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए ठीक है अब फाइनेंशियल लिटरेसी सेम all the members of audit committee should be financial literate and at least one should be an expert of accounting and financial management at least one member shall be an accounting or related financial management expertise all the members should be financial literate and at least one should be an expert of financial financial management and accountancy

कोरम के अंदर भी उन्होंने प्रोविजन दिया है कोरम शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स और ऑडिट कमेटी टू मेंिस दिमाग नहीं लगाना है सिर्फ ये सब भी आपको कंटस्थ है पावर भी पढ़ना है यह सब भी आपको कंटस्ट हैुड तो ऑडिट कमेटी की बात करते हैं सेक्शन नंबर 177 क्या कहता है कि किन-किन कंपनीज को करना है उसके बाद में उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कोरम क्या होना चाहिए इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं देता है उनका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए और यही बात करते हैं हम कंपोजिशन वगैरह की कंपनीज की अंडर एल तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट ऑडिट कमेटी आई होप ऑल विद मी आई प्रोलॉगिंग चलिए यार ये वो ऑडिट कमेटी इसी तरह से इसके बाद में आता है नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी पूरा मैंने हाईलाइट करके दिया और उसके बाद में वापस अगर आप देखते हो तो उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से नॉमिनेशन रेमनेशन कमेटी चार्ट दिया है दिस चार्ट सबसे पहले सेक्शन 177 टॉक्स अबाउट ऑडिट कमेटी वैसे नॉमिनेशन एंड रेमनेशन कमेटी ओके एप्लीकेबिलिटी एवरी पब्लिक कंपनीस 10 करोड़ और मोर टर्न ओवर इज हंड्रेड करो मोर विच है अरे भैया जी अभी तो ऑडिट कमेटी में लिमिट पढ़कर नॉमिनेशन रेमडेशन कमेटी के भी अंदर मिनिमम

तो अब ये 178 के ही सबसे वन सेवेंटी एट रिलेशनशिप कमेटी कंपनी विच कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1000 थाउजेंड शेयर होल्डर कौन सी कंपनी पे कंपलसरी वहां पे हम पढ़ रहे थे ना लिस्टेड एंटिटी 10 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ की लिमिट यहां पे ऐसा कुछ नहीं है हर कंपनी जिसमें एटलीस्ट थाउजेंड स्टेक होल्डर है उंड शेयर होल्डर डिपेंचर होल्डर डिपोजट स्टेक होल्ड रेश कोई स्टेक होल्डर्स हो जाते हैं ज्यादा हो जाते हैं तो वह बन जाएगी क्या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कोई भी कंपनी के अंदर वन थाउजेंड से ज्यादा अगर स्टेक होल्डर हो जाते हैं तो वो बन जाएगी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी इजी तो उनको बनानी पड़ेगी स्टेक होल्डर कमेटी उसके बाद मेंसन शेल बी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑडिट कमेटी हैज टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हेन इट टू स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी चेयरपर्सन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोल ठीक है फ्रीक्वेंसी हमने कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं बताई जैसा बोर्ड बोल लेगा वैसे मान लेंगे स्टेक होल्डर काफी आसान है एक पॉइंट याद रखने का है वहाँ पे। रख अगर किसी भी कंपनी में थाउजेंड से ज्यादा स्टेक होल्डर्स हो गए तो वहां पे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनानी पड़ेगी क्या कहता है? कहता है, पहली चीज रेगुलेशन ट्वेंटी रेगुलेशन नंबर टॉक्स अबाउट ऑडिट कमिटी अबाउट नॉमिनेशन ट्वेंटी और टॉक्स अबाउट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ये कहता है कब एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है तो कंपलसरी सेम लाइक ऑडिट कमेटी सेम लाइक नॉमिनेशन कमेटी अगर आप लिस्टेड एंटिटी है तो आपके ऊपर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मैंडेटरी है अगर आपके स्टेक होल्डर हजार से कम है तो भी मैंडेटरी है इफ यूर लिस्टेड एंटिटी आपके ऊपर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी मैंडेटरी है ठीक है उसके बाद में मेंबर्स मेंस्ट थ्री डायरेक्टर्स विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अभी किसमें कहा है यहां पे कंपनीज है कुछ नहीं बोलता

थ्री हाँ हा, में कम से कम तीन जिस में जिसमें मेजोरिटी डायरेक्टर होना चाहिए अभी तक हर जगह डायरेक्टर थ्री डायरेक्टर थ्री डायरेक्टर बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में इवन दोन बी पार्ट ऑफ दिस कमेटी दे ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी ठीक है तो मस्ती मेरा आराम से रिस्क मैनेजमेंट कमी के अंदर क्या कह रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट भी मेजोरिटी ऑफ दम बी डायरेक्टर्स एन एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंटेंटेंटेंटेंट ड्री मेंटी डरेक्टर्स होनी चाहिए एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए उसके बाद ऐसा रिकू किया है तो टू थर्ड इंडिपेंडेंटें डायरेक्टर तो बल तीन कमेटी देखी नॉमिनेशन रोमिनेशन स्टेक होल्डर कंपनी ने ऐसा इक्विटेशन इशू किया तो मिनिमम टू थर्ड इंडिपेंडेंट चाहिए इस में. और ऑडिट कमेटी में ऐसा इक्विडी हंड्रेड परसेंट सारी डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए चेयरपर्सन और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शेल बी मेंसन जो है वो डायरेक्टर होना कंपलसरी है कोरम ट्वाइस अः नॉर्मली कह रहे थे नहीं

5 करोड़ 500 हंड्रेड करोड़ थाउजेंड करोड़ नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है नेट 500 फाइव हंड्रेड करोड़ है उससे या टर्नओवर 1000 थाउजेंड करोड़ उससे ज्यादा है तो आपको सी एस आर कंपनी बनानी पड़ेगी लेकिन लेकिन एक पॉइंट समझना इफ द सी एस आर ऑब्लिकेशन इज नॉट एक्सीड फिफ्टी लाख, अगर आपका सी एस आर ऑब्लिकेशन फिफ्टी लैक से कम है द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी एस आर कमिटी शैल भी बी फंक्शन ऑफ द कमिटी कैन बी डिस्चार्ज बाय डायरेक्ट ओ रुक जाओ We are very near to the end. We are very near to the end. Hello, hello, hello. Yes, हम बात करते रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के अंदर सीएसआर के अंदर तो सीएसआर एवरी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट करोड़ ज्यादा है नेटवर्थ पांच सौ करोड़ ज्यादा है या टर्न ओवर थाउज करोड़ ज्यादा है लेकिन अगर आपकी कंपनी का प्रोशन अप्लाई हो गया लेकिन आपकी जो नेट सीएसआर एक्सपेंडिचर आता है जो टू से हम कैलकुलेट करते हैं फिफ्टी लैख तक ही आता है डिस नॉट एक्सीड फिफ्टी लैक

राइट अ प्राइवेट कंपनी है सीएसआर टू पर्सन ऑफ विच वन पर्सन शेल बीफाइड सेक्शन ऑफ थ्री कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एज नॉमिड बाय फॉरन कंपनी तो फॉरन कंपनी को एक इंडिया का व्यक्ति अपॉइंट करना होता है ना तो उसकी बात करें तो आपके भी टू डायरेक्टर्स होंगे कम से कम जिसमें से एक वो स्पेसिफाइड व्यक्ति होना चाहिए अब कोरम वगैरह की बात करते हैं तो कह रहा है कि जैसे आपकी नीड होगी उस प्रकार से कोरम फॉर्म होगा सीएसआर कमेटी का यहां पर तो फोकस करना अच्छे से जैसे बोर्ड बोलेगा वैसा और फंक्शन ऑफ सी एसआर कमेटी आता है डिस्कलोजर रिलेटेड सीएसआर कमेटी आता है फिर आता है कि अदर प्रकार के जो आपकी छोटी मोटी और कमेटी हो सकती है तो यू कैन हैव कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी साइंस टेक्नोलॉजी सस्टेनेबिलिटी कमेटी रेगुलेटरी गवर्नमेंट अफेयर्स कमेटी इन्वेस्टमेंट कमेटी कमेटी एथिक्स यू कैन कमेटीज़ बट वी हैव डिस्कस फोर एट लेंथ ऑडिट कमेटी नॉमिनेशन रेम्यशन कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, द फिफ्थ वन इज सी कमेटी, पांच कम लेंथ डिस्कस किया है सबसे इंपॉर्टेंट दो हैं आपकी ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रेमुलेशन कमेटी।

वॉट इज विजल मैकेर पॉलिसी तो दिस इज अकेम सो दैट डायरेक्टर्स और इंप्लॉइज कैन रिपोर्ट देर जेनुन कंसर्न्स ठीक है इसके अंदर उनकी जेनुइन कंसर्न को रिपोर्ट किया जाता है उनको प्रिवेंट किया जाता है विक्टिमाइजेशन सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट इन रिक्वायर्ड केसेज एक्सेप्शन केसेज दिस पर्सन इज गिवेन डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरमन ऑफ दमिटी एंड लास्ट पॉइंट अगर हमें लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार फ्रिविलस कंप्लेन्ट्स ला रहा है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाता है

ठीक है इससे ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए है नहीं क्या क्या है लेसन आउटलाइन के अंदर ही हमको बता देते हैं भैया मीटिंग कैसे होगी बताएंगे फ्रीक्वेंसी कैसे होती है एलओडीआर क्या कहता है उसके बारे में उसके नोटिस कैसे प्रिपेयर करोगे उसके एजेंडा कैसे होगी कन्वीन कैसे करोगे मीटिंग को मतलब मीटिंग की शुरुआत में आप क्या क्या चीजों का ध्यान रखोगे मीटिंग को कैसे कंडक्ट करोगे कोरम क्या होगा मीटिंग का अटेंडेंस रजिस्टर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या होता है मिनट्स आपको मेंटेन करने ड्यूटीज ऑफ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी वन द ईजिएस्ट चैप्टर्स तो मस्ती में बैठो यू विल नॉट इवन बताया पता भी नहीं चलेगा आपको यू इवन रियलाइज इन ओवर ठीक है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसके अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग अच्छे समझना ये सबसे पहले सेक्शन नंबर सेवेंटी थ्री वन सेवन फोर वन सेवेंटी फाइव मीटिंग ऑफ बोर्ड दैट इज वन सेवेंटी थ्री सेक्शन थ्री टॉक्स अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड के बोर्ड की मीटिंग कैसे कैसे रखनी चाहिए वन सेवनटी फोर टॉक्स अबाउट दैट मीटिंग का कोरम कि कितना कोरम होगा तो ही मीटिंग कंडक्ट की जाएगी 174 एंड 175 टॉक्स अबाउट पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन तो ये तीन सेक्शंस दिमाग में पहले 173 174 175 173 टॉक्स अबाउट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 174 टॉक्स अबाउट कोरम मिनट्स कि कैसे आपको मिनट्स मेंटेन करने

And फिर आता है सेक्रेटरी नेक्स्ट एल रेगुलेशन का रेगुलेशन सेवन टू एम जब एल ओडीआर पढ़ते हैं तब तो हम और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं बट जो स्टूडेंट्स ग्रुप वन दे रहे होंगे उनको इतना इनडेप्थ नॉलेज नहीं होगा कारपोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन कहते हैं सर तो जब कोरम वन में दे ही रखा है तो वापस हम इस एल ओडीआर के हिसाब से कोरम क्यों पढ़े है?

कंपनीज के लिए एडिशनलेशन कि कुछ चीजों के लिए आपको बोर्ड मीटिंग को पहले से इन्फॉर्म करना होता है सर क्या ये सब कंठस्ट होना चाहिए नहीं मैं बता देता हूँ क्या कंठस्ट चाहिए आपसे मुझे आपसे आप चाहिए रेगुलशन सेक्शन वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वन कोरम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन एट मिनट्स एंड डायरेक्टली एस एस वन मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये आपको कंठस्ट होना चाहिए

बोर्ड मीटिंग कर रही है उस पर वन और साथ में सेक्रेटर स्टैंडर्ड वन अप्लाई करेगा तो कोई भी कंपनी की अगर बोर्ड मीटिंग करनी इट विल बी एज पर वन सेवन थ्री एंड सेक्रेटर स्टैंडर्ड वन इजी टू गो नेक्स्ट डायरेक्टली डायरेक्ट एकदम तूफान तरीके से आपका एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होने देंगे और तूफान तरीके से पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग कि एक साल में कितनी मीटिंग होनी चाहिए हम सबको पता है एक साल में चार मीटिंग होनी चाहिए एंड मैक्सिमम गैप कैन नॉट बी मोर देन वन आ जाओ आ जाओ

every year not more than 120 days shall intervene between two consecutive board meetings ye wahi aapka bachpan se jo provision chal raha hai 100% focus yahan pe chahiye mujhe 173 kya kehta hai 173 kehta hai ki first board meeting this has to be done easy within 30 days from incorporation कि company जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुई है उसके थर्टी डेज के अंदर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जानी चाहिए इजी टू गो उसके बाद में सर सब्सिक्वेंटली फर्स्ट में सबसिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स, सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स के लिए रूल है फोर बोर्ड मीटिंग्स एवरी ईयर, कि हर साल में आपको चार बोर्ड मीटिंग्स करना अनिवार्य है और साथ ही साथ मैक्सिमम गैप बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग्स कैन बी 120 ट्वेंटी मतलब 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक बोर्ड मीटिंग हुई है उसके 120 डेज के अंदर एक और बोर्ड मीटिंग कर दो तो आप अगर 120 डेज हो गए जैसे ही 120 डेज हो रहे हैं आपको तुरंत नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी है दो बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता अ वेरी इजी प्रोविजन ऑल ऑफ यू वेल अवेयर हमने फिर भी डिस्कस कर दिया अब सुनना ठीक है ये हमने बड़ा सेम लिस्टेड कंपनीज के लिए भी सेम है शेल मीट फोर टाइम्स नहीं है विद मैक्सिमम टाइम गैप ऑफ वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज बिटवीन एनी टू मीटिंग सेक्शन तो फॉलो करना ही है एक्ट तो फॉलो करना, तो करना ही है साथ में आपको सेक्रेटरी वन भी फॉलो करना है ये क्या कहता है इशूड बाई आईसीफाइज दैट कंपनी शेल होल्ड एटलीस्ट फोर मीटिंग ऑफ इट्स बोर्ड इन ईच कलेर ईयर विद मैक्म इंटरवल ऑफ वन डेज बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव मीटिंग अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है कि आपकी एक कैलेंडर ईयर में चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एंड मैक्सिमम गैप शुड नॉट एक्सीड 120 डेज अब हम लोग देखो एज एन अकेडमिक स्टूडेंट तो हम लोग क्या पढ़ेंगे ठीक है 173 में दे रखा है कि एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए सॉरी मिनिमम चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए और मैक्सिमम गैप वन डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वहीं हम ये कहते हैं ये सुनो ना आप में से किसी व्यक्ति की इच्छा होगी वन पॉइंट पे चला दू टू पे चला दू खुद ही फाइव पे पढ़ा रहा हूं

बट आई बिलीव आज नहीं तो कल चेंजेस होंगे amendment होगा और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड के अंदर भी financial year हो जाएगा ठीक है तो उसमें uniformity आएगी अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहता है कैलेंडर ईयर में चार बोर्ड मीटिंग और 173 कहता है एक financial year में मीटिंग। चार चल और 120 गैप का, का प्रोविजन सेम है फर्दर मोर एस एस वन स्टेट एट दंपनी शेल होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड विद इन थर्ट फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉपोरेशन इट शैल सफिशेंट इफ सबस मिटिंग आर हेल्ड विद्सिम इंटरवल ऑफ वन हंड्रेड ट्वेंटी एन टू कॉन्सिकिटिंग बाकी सेम तो कुछ भी अलग नहीं है बस कैलेंडर फाइनेंशियल फर्क था चलिए रिजिस्ट्रेशन आपके अच्छे डिस्कस किए अच्छे से यहां पर जाते हैं एग्जाम्शन हमने रूल पढ़ लिया अभी तक हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सिक्वेंटली हर साल में चार बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए विद द मैक्सिमम गैप ऑफ वन ट्वेंटी डेज बिटवीन टू बोर्ड मीटिंग अब इसके कुछ स्पेसिफिक एक्साम्श पढ़ रहे हैं आ जाओ सेक्शन एट कंपनी की बात की प्रोविजन ऑफ सेक्शन थ्री वन शेल ओनली टू द एक्सटेंड दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सच कंपनी होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग विद एवरी सिक्स कैलेंडर मंथ्स तो व्हेन इट कम्स सेक्शन एट कंपनी उनको साल में चार मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं है उनको एक साल में सिर्फ दो मीटिंग करनी है उनको हर हाफ ईयर में एक मीटिंग करनी है तो सेक्शन एट कंपनी के लिए प्रोविजन आ गया है वन बोर्ड मीटिंग पर हाफ ईयर

तो नॉर्मल कंपनीज को साल में चार बोर्ड मीटिंग करनी है लेकिन स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज को साल में सिर्फ दो बोर्ड मीटिंग करनी है और एक और चेंज ऐसा है कि नॉर्मल कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के थर्टी डेज के अंदर पहली बोर्ड मीटिंग कर लेनी है स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से सिक्सटी डेज मिले हैं पहली बोर्ड मीटिंग करने के लिए विद इन सिक्सटी डेज इजी प्रोवाइडेड फॉर दैट स्पेसिफाइड आई प्राइवेट कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बी डी विद इन सिक्स डेज इन कॉपोशन ईयर ठीक है बेटा जी तो यहां पर उन्होंने सबसे पहले बात कर दी यहां पर भी कैलेंडर है यहां पर भी कैलेंडर है यहां पर भी कैलेंडर, भी कैलेंडर यह चीज का ध्यान रखना कि में तीनों के ऊपर क्या दिया है कैलेंडर ईयर आई होप यू अंडरस्टैंडिंग चलिए कोई परेशानी की बात नहीं तो एफ पब्लिक कंपनीज पब्लिक प्राइवेट कंपनीज दोनों के लिए कहते हैं वन बोर्ड मीटिंग पर हाफ ईयर एंड इन कॉपोन सिक्सटी डेज के अंदर वो कर सकते हैं अपनी मीटिंग लाइफ इज इजी अपल समझना अच्छे से ठीक है बहुत आसान चल रहा है हमने अभी तक पढ़ा है सिर्फ सेक्शन नंबर 173 जो कहता है नॉर्मल कंपनी को हर बोर्ड हर कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी होगी साल में चार मैक्सिमम गैप 120 डेज उसके अंदर हो सकता है और फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर

कोई भी लिस्टेड कंपनी है तो उसको अपनी बोर्ड मीटिंग के उसको बोर्ड मीटिंग के पहले प्रायर इंटीमेशन देना होगा स्टॉक एक्सचेंज को नाउ अंडरस्टैंड लिस्टेड कंपनी है तो इनके जो एडिशनल कंप्लाइंस आएंगे वो आएंगे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ठीक है मतलब ये वैसे आप सब बच्चों को पता है लेकिन वो स्टूडेंट जो सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हैं उनको थोड़ा सा शांति समझ में थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन दे, दे देता हूं तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी सिंपल इसी प्रकार से समझ के चलो यार जैसे मैंने पहले बताया वापस बता रहा हूं कि नॉर्मल कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा बात खत्म कि कोई भी कंपनी उसपे सारी कंपनीज उस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई करेगा 173 सब पे एप्लीकेबल है और वहीं अगर कोई लिस्टेड कंपनी आ गई तो उस पर कंपनीज एक्ट तो अप्लाई करेगा ही साथ में उस पर सेबी के रेगुलेशंस भी अप्लाई करते हैं

या तो डिक्लेयर कर रहे हैं रिकमेंड कर रहे हैं डिविडेंश्यू कर रहे हैं कन्वर्टेबल सिक्योरिटी प्रायर इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को या फिर हम बोनस डिक्लेयर करने वाले हैं प्रायर इंटीमेशन देना है स्टॉक एक्सचेंज को इनमें से कोई भी चीज अगर हम बोर्ड मीटिंग पे करने वाले हैं तो हमें स्टॉक एक्सचेंज को प्रायर इंटीमेशन देना जरूरी है दिस इज फॉर लिस्टेड कंपनीज ठीक है ये कितने दिन पहले देना जरूरी है ये टू वर्किंग डेज पहले देना जरूरी है जनरली जनरली टू वर्किंग डेज पहले देना जरूरी है कुछ केसेस में पांच दिन पहले दे सकते हैं और कुछ केसेस में इलेवन डेज पहले देते हैं अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली ये जो प्रायर इंटीमेशन देना है कभी टू डेज पहले कभी फाइव डेज पहले कभी इलेवन डेज पहले ये सर कैसे डिपेंड करता है जो मैंने ऊपर सारे एग्जाम्पल बताया उन सब केसेस के अंदर आपको टू डेज पहले बताना है कि आपके बोर्ड मीटिंग पे जो वॉल लिस्टिंग हो रही है आपके बोनस इश्यू कर रहे हो ये सब आपको बोर्ड मीटिंग के दो दिन पहले स्टॉक एक्सचेंज को बता देना है अगर बोर्ड मीटिंग पे आप फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो तो पांच दिन पहले बता देना है फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस कर रहे हो तो पांच दिन पहले बता देना है और किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन कर रहे हो किस में आप अपने सिक्योरिटी होल्डर आपके डिवेंचर होल्डर होल्डरिटी होल्डर सिक्योरिटी होल्डर के राइट्स प्रिवेलेजेस चेंज कर रहे हो राइट्स राइटेस में ऑल्टरेशन कर रहे हो तो भी ग्यारह दिन पहले और रिडम्पशन का डेट या इंटरेस्ट पेमेंट का डेट में ऑल्टरेशन कर रहे हो तो भी ग्यारह दिन पहले तो आप अगर राइट या प्रिवेलेज में ऑल्टरेशन कर रहे हो तो भी ग्यारह दिन पहले इन्फॉर्म करना है और अगर डेट में ऑल्ट्रेशन कर रहे हो इंटरेस्ट पेमेंट डेट रिडम्पशन डेट में ऑल्ट्रेशन करो तो भी ग्यारह दिन पहले तो सबसे पहले प्रायर इंटीमेशन को दिमाग में अच्छे समझ लो बहुत हीजी है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा समझ के चलो कि प्रायर इंटीमेशन का एक है रेगुलेशन टी नाइन ऑफ एल ओडीआर आपको स्टॉक एक्सचेंज को कुछ चीजें पहले से बता देनी है हाँ, क्यों हाँ, हाँ, हाँ। तो प्रायर इंटीमेशन कुछ केसेस में आपको देने टू डेज पहले कुछ केसेस में देने फाइव डेज पहले कुछ में देना है डेज पहले क्या है सर फाइव डेल रिजल्ट अगर आप बोर्ड मीटिंग पे फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस करने वाले हो तो पांच दिन पहले आपको स्टॉक एक्सचेंज को बताना है किसी भी प्रकार का अगर आप ऑल्टरेशन कर रहे हो राइट्स एंड प्रिवलेजेस में या फिर डेट में राइट्स एंड प्रिवेजेस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर या फिर डेट इंटरेस्ट पेमेंट रिडम्शन डेट इसमें अगर ऑल्टरेशन कर रहे हैं आप तो आपको ग्यारह दिन पहले इन्फॉर्म करना है बाकी वॉलंट्री डी बोनस इशू फंड रेजिंग बाकी सब चीजों के अंदर आपको बोर्ड मीटिंग के दो दिन पहले प्रायर इंटीमेशन दे देना है स्टॉक एक्सचेंज को सो दिस इज अबाउट प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अबाउट योर बोर्ड मीटिंग इफ गोइंग टू डिस्कस एनी वन ऑफ दीज थिंग्स टू डेज प्रायर फाइव डेज प्रायर इलेवन डेज प्रायर चल ये बहुत डेप्थ में आप लोग पढ़ते हो आपके मॉड्यूल टू के सिक्योरिटीज लॉ के अंदर तब बड़ा मजा आता है

नेक्स्ट सेवेंटी टू सुनना कमिटी मस्ट है चेयरमैन कमेटी के पास चेयरमैन होना चाहिए अब सुनना क्या लिखा है इफ नो सच चेयरमैन इलेक्टेड और इफ एडी एनी मीटिंग चेयरमैन विद इन मिनट विद इन फाइव मिनट्सर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग द मीटिंग मेंजेंट मे चूज वन ऑफ देयर में चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अभी बात करें कमेटी के चेयरमैन की कमेटी की मीटिंग है फाइव मिनट्स का पॉइंट दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्या कह रहे हैं अगर मान लीजिए हम कमेटी बना रहे तो कमेटी में एक चेयरमैन बनाने की आवश्यकता है बना दो चेयरमैन फिर आपकी कमिटी मीटिंग हो रही है चेयरमैन विद इन टाइम अगर चेयरमैन नहीं प्रेजेंट है तो जितने लोग प्रेजेंट है सेवेंटी टू कहता है कि, कि चेयरमैन होना चाहिए और अगर चेयरमैन मीटिंग में प्रेजेंट भी होना चाहिए नहीं है तो जो लोग प्रेजेंट है सेवेंटी थ्री

मान लीजिए कमेटी के अंदर पांच लोग हैं उनमें से एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव था बट फिर भी कमेटी ने जितने डिसीजन लिए अभी तक सारे डिसीजन आर सेट टू बी वैलिड एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव है इससे कमेटी के डिसीजन डिफेक्टिव नहीं हो जाएंगे रेगुलेशन 75 बात करता है रेजोल्यूशन इन राइटिंग साइन बाई ऑफ बोर्ड ऑफ कमिटी टाइम इंटरव नोटिस ऑफिंग ऑफ बोर्ड कमिटी शेल भी वैलिड एंड इफेक्टिव एज इट बीन पास बोर्ड बात करता है लाइक्यूशन बाय सर्कुलेशन की अगर कमेटी को भी कोई डिसीजन लेना है और सब डायरेक्टर्स ने उसको साइन करके वैलिड कर दिया है तो यह माना जाएगा कि वो डिसीजन मीटिंग पे लिया गया है मीटिंग नहीं हुई है सबने अपने अपने घर से अपने अपनी जगह से अपने अपने से उस रेजोल्यूशन को साइन और कर दिया है तो भी ये माना जाएगा जैसे कि वो डिसीजन एक्चुअल कमेटी मीटिंग में हुआ है सो so कमेटी के डिसीजन भी कमेटी के डिसीजन में भी सर्कुलेशन वाला रूल अप्लाई करता है हा हा और यहां पे कमेटी के सारे रूल्स खत्म होते हैं हर एक चीज दिमाग में बैठी होनी चाहिए क्या

तो भी कमेटी के सारे डिसीजन वैलिड रहेंगे एंड लास्ट हमने पढ़ लिया कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन है आपने अगर रेजोल्यूशन एट कमिटी मीटिंग नहीं पास किया है सबके अपने अपने घर पे रेजोल्यूशन आया था और सबने अपने अपने घर से भी रेजोल्यूशन को साइन करके दे दिया है इट विल बी सेट टू बी वैलिड रेजोल्यूशन पास बाय सर्कुलेशन तो कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें पढ़ी हमने विद रिस्पेक्ट टू कमेटी मीटिंग अभी ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा पर आराम से लेते हैं हम लोग बात बात करते हैं चलिए वॉट वी रेड इज हमने वन सेवेंटी थ्री उसके बाद में हमने कमेटी मीटिंग की कुछ बात की और प्रायर इंटीमेशन के टॉपिक को अच्छे से पढ़ा फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग ऑफ अ कमेटी कमिटी एक कमेटी मीटिंग की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए अभी तक हम लोग वहीं पर चल रहे हैं ज शुड मीट एज ऑफन एज रिक्वायर्ड एट लीस्ट एज ऑफ एज वेल बाई द कमेटी गाइडलाइन रूल्स रेगुलेशन फ्रेम अंडर द एक्ट और बाय एनी स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी मे कंटेन प्रोविजन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑफ मीटिंग अ कमेटी एंड सच स्टिपुलेशन शुड बी फॉलोड हमने 173 के हिसाब से तो पढ़ लिया है भैया कि साल में चार बोर्ड मीटिंग होना कंपलसरी फॉर नॉर्मल कंपनी सेक्शन एट कंपनी साल में दो करेगी स्पेसिफाइड एफ कंपनी साल में दो करेगी ये सब तो हमने पढ़ लिया है अब बताने क्या कहता है कि एक कंपनी जैसे डिसाइड करेगी वैसे कर सकती है अब छोटी छोटी बातें प्रेपरेशन ऑफ नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ बोर्ड कमिटी मीटिंग क्या आप कभी भी बोर्ड मीटिंग कर रहे हो या कमिटी मीटिंग कर रहे हो अब एकदम स्लो डाउन हो जाओ रिलैक्स कभी भी अगर बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग कर रहे हो तो आपको उसका नोटिस बनाना अनिवार्य है ठीक है सुनना अच्छे से नोटिस कितने दिन का होना चाहिए हम सबको पता है कभी भी आपको अगर मीटिंग करनी है तो आपको सेवन डेज नोटिस देना पड़ेगा हर एक डायरेक्टर्स को उसका इंडियन रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको देना होगा सेवन डेज नोटिस अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली अब देखो एक और चीज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया कहने का मतलब क्या है आप इंडियन रजिस्टर्ड एड्रेस पे देते हो जनरली यस बट नाउ देव सेड कि अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर इंडिया के बाहर रहता है और उसने वहां का एड्रेस दे रखा है तो आपको वहां पे भी देना पड़ेगा सर ये तो अजीब सी बात हो जाएगी सुनना अच्छे से जनरल मीटिंग में इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इंडिया के बाहर नोटिस भेजो बट बोर्ड मीटिंग में अगर कोई इंडिया के बाहर का एड्रेस है डायरेक्टर का तो उसको भी आपको नोटिस देना होगा वेदर इन इंडिया इंडिया और और आउटसाइड एज द कंपनी सच नोटिस बी सेंड हैंड डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक मीन अब सुनना सबसे डेज नोटिस देना जरूरी है ठीक है सर क्या हम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर सकते हैं जी हाँ शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो सकता है बट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी प्रेजेंट

तो चलेगा वैलिड है सर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो भी आप शॉर्ट टर्म नोटिस पे मीटिंग कर लो मीटिंग में जो डिसीजन है वो सारे डायरेक्टर्स को भेज दो एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड रेटिफाई इट उसने रेटिफाई कर दिया तो चलेगा एस एस वन प्रोवाइड गाइडेंस वगैरह 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 आर्टिकल से आप हायर पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो सेवन डेज का पीरियड है जनरली बट अगर आप चाहें अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से हायर पीरियड भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो ऑफ़ कोर्स ठीक है यस 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 और एक छोटी सी बात इट विल नॉट बी गिवन बाय गायडनरी पोस्ट कि कभी भी जो मीटिंग का नोटिस है वो ऑर्डनरी पोस्ट से आप नहीं भेजेंगे स्पीड पोस्ट से जाएगा कुरियर से जाएगा और आपका ईमेल वगैरह से जाएगा लेकिन आपका ऑर्डनरी पोस्ट से नहीं जाएगा वेरी ऑब्वियस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं नोटिस के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर ई एड्रेस चेयरमैन का कंपनी सेक्रेटरी का दिया जाता है ठीक है नोटिस शेल कंटेन कॉन्टैक्ट नंबर ई मेल एड्रेस ऑफ चेयरमैन और कंपनी से एनी पर्सन कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में आ रहा है नहीं आ रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करना चाहता है ये सारी चीजों के लिए आपको उनको इन्फॉर्म करना होता है इजी ठीक है नोड इेल बी इश्यूड बाय सीएस और अगर मान लीजिए सीएस नहीं है तो जो भी डायरेक्टर को ऑथराइज किया है वो में सीरियल नंबर होगा डायरेक्टर ऑप्शन होगा डायरेक्टर के पास में ऑप्शन होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी अटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है बहुत अच्छा एक केस है छोटा सा केस है देखो यार

मीटिंग ऑफ बोर्ड डायरेक्टर इन वैलिड एंड रेजोल्यूशन पास मीटिंग को भी नोटिस नहीं दिया है और मीटिंग हुई है तो नोटिस देना अनिवार्य बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ठीक है एकदम फिर हमने क्या बढ़ा अच्छे से आना द बोर्ड मीटिंग टू ट्रांजेक्ट अर्जेंट बिजनेस नोटिस एजेंडा नोटेंडा मे बी गिवेन एट अटर पीरियड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्या इफ द कंपनी इज रिक्वायर टू हैव एन एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मीटिंग अटेंड करनी चाहिए प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मान लीजिए कोई भी इंडिपेंडेंड ने मीटिंग अटेंड नहीं की

दे रहे हैं एक शॉर्टर नोटिस आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में आए और अगर एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग के अंदर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट डिसीजन लेने के बाद में आपको उसको सबको सर्कुलेट करना है एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड रेटिफाई ये सर हमारी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही नहीं है तो इफ द कंपनी दिन नॉट रिक्वायर अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग कैन बी कॉल्ड अपॉन अ शॉर्टर नोटिस विदाउट एनी कंडीशन टू बी कंप्लाइड मजे में तो। चल

इफ द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देन मेजॉरिटी डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव तो अगर मान लीजिए हमारी कंपनी में दस डायरेक्टर है शॉर्टर नोटिस में मीटिंग कर रहे तो छह डायरेक्टर ने उसको अप्रूव करना है अब छह डायरेक्टर मीटिंग में आए उन्होंने अप्रूव कर दिया तो ठीक तो है अगर मीटिंग में ही छह डायरेक्टर्स नहीं आए थे तो जितने आए ठीक है उसके बाद में आपको डिसीजन को सर्कुलेट करना है एंड ओवरऑल मेजोरिटी हैज टू अप्रूवेड मतलब अगर टोटल डायरेक्टर टेन है तो सिक्स डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव एट द मीटिंग और बाय सर्कुलेशन बट अगर शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग हो रही तो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हैव टू अप्रूव इट चल फिर सैंपल नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग वगैरह आपको दे रखा है कि कैसा नोटिस दिया जाता है 100 परसेंट देख के जाना यार एग्जाम में एक ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें ये सारे नोटिस के फॉर्मेट ऑफकोर्स देख कर जाने होते हैं अब आता है अगला टॉपिक एजेंडा कि भैया एजेंडा क्या होता है सिंपल तो कोई भी अगर आपकी बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग हो रही है तो और इन्फॉर्म करना होता है सो दैट द डायरेक्टर्स डिसाइड वेदर द मीटिंग और नॉट आइडियली ऑल द डायरेक्टर्स टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स लेकिन देख के डायरेक्टर्स एक फेयर आइडिया ले लेते ले हैं और यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग तो मुझे ऑन एनी कॉस्ट अटेंड करनी है तो, तो बहुत ईजी सी कोई बड़ी बात नहीं है एस पर एस एस वन एजेंडा सेटिंग आउटनेस एंड नोट्सा और नोट्स भी जो है सारे डायरेक्टर्स तक पहुंचा देने ठीक है, है? That's it, that's it. कुछ अगर मुझे इंपॉर्टेंट हाईलाइट करानाने तो बता देता हूँ बस नहीं बाकी सब ठीक है चलिए एजेंडा को लेकर ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं इसके अंदर ज्यादा कुछ खास बात नहीं है समझना अच्छे से फोकस करो तो एजेंडा को लेकर छोटे-छोटे जो पॉइंट है कि सीरियल नंबर करने एजेंडाज को वगैरह-वगैरह तो दैट इज ऑल डूएबल कोई बड़ी बात नहीं है एक और चीज यार हमने पहले तो आपको जितने मॉड्यूल के अंदर इलस्ट्रेशन दे रखे वो हंड्रेड परसेंट सारे इलस्ट्रेशन पढ़ के जाने यू के नॉट अफोर्ड टू स्किप एनी इलस्ट्रेशन कोई भी इलस्ट्रेशन आप स्किप नहीं कर सकते पढ़ के जाने जो भी एडिशनल इलेस्ट्रेशन आए थे उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है वो भी देखते हुए अमेंडमेंट्स के साथ में इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन और सारे तो साथस्ट्रेशन पढ़नेंगे हम मस्ती में जा रहे हैं अभी तक हमें बहुत आसान लग रहा है हमने वन पढ़ा है फिर हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी है, फिर हमने कुछ प्रायर के केलओडीआर के प्रोविजन पढ़े फिर हमने कुछ कमेटी के मीटिंग के प्रोविजन पढ़े हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आए अभी भी एजेंडा के टॉपिक के ऊपर एजेंडा इज अ वेरी इजी टॉपिक वेरी जनरल टॉपिक मस्ती से पढ़ रहे हैं अच्छे से ऐसे ही सम इंपॉर्टेंट एजेंडा आइटम फॉर बोर्ड मीटिंग टू ग्रांट लीव ऑफ एपसेंस

आउट ऑफ प्रीवियस 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 मीटिंग मिनट्स मिनट्स जो है सॉरी को कोई मैटर है वो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बोरिंग हो सकता है कोई पॉलिसी आपको अप्रूव करनी है एजेंडा आइटम है अमेंडमेंट कर रहे हो आप किसी पॉलिसी के अंदर तब वो आपको उसके लिए आपको एजेंडा में देना होगा लिख के ये बता रहे किन किन चीजों के लिए एग्जाम्पल ये सब चीज अगर आप कर रहे हो तो आपको पहले से एजेंडा में देना है ऑफकोर्स स्टेटमेंट कंटेनिंग इन्वेस्टर कंप्लेन वगैरह जो है सभी के हिसाब से वो आपको देना है क्वार्टरली बेसिस पे कंप्लाइंस रिपोर्ट आपको देना है टाइम टू टाइम एंड सेक्रेटरी ऑडिटर का अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हो आप तो वो भी आपको मीटिंग के अंदर बताना है इंटरनल ऑडिटर के बारे में ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टैटरी ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन प्रोग्रेस रिपोर्ट और कोई भी चीज हो रही है ये सब चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको एजेंडा के अंदर पहले से बताना होता है तो अपने एजेंडा के अंदर आपको सारी चीजें पहले से इन्फॉर्म करनी है अब यारो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कन्वीनिंग अ मीटिंग के ऊपर क्या आखिर ठीक है सर ये हो गया आप कन्वीन कैसे करते हैं मीटिंग को आराम से समझो एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मे एट एनी टाइम समन अफ बोर्ड एंड द कंपनी सेक्रेटरी और वेदर इज नो कंपनी सेनी पर्सन ऑथराइज बाई बोर्ड इन दिस बिहाफ ऑनशन शेल कन्फ बोर्ड इन कंसल्टेशन विद चेरमैन और इनसे मैनेजिंग डायरेक्टर ऑन इन एबसेंस दी होटर डायरेक्टर वेद एनी अंडर सर्विस प्रोवाइड इन द आर्टिकल कोई भी डायरेक्टर कभी भी बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कर सकता है उसको कंपनी सेक्रेटरी या फिर जो भी डायरेक्टर है उसको बोलेगा बोर्ड मीटिंग करने के लिए कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है वो डायरेक्टर चेयरमैन को कंसल्ट कर सकता है करके आप कर सकते हैं। क्या सीखा कोई भी डायरेक्टर कंपनी का मीटिंग रिक्वेस्डेशन कर सकता है तो मीटिंग को करेगा कौन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट कंपनी का सीएस या फिर डायरेक्टर लेकिन करने के पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसको चेयरमैन या फिर चेयरमैन नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं तो होल टाइम डायरेक्टर और फिर आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो okay? ओके कोई भी डायरेक्टर चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड कर सकता है 173 अगर 170 नहीं अगर आपने 173 को वायलेट किया बेटा जी तो आप पे, भाई साहब ₹25000 की पेनल्टी होगी ना छोरे ना छो फोकस 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 एंड दिस इज ऑल अबाउट 173 173 दिलो दिमाग को बैठाना चाहिए हर हर चार बोर्ड मीटिंग होने चाहिए दो बोर्ड मीटिंग के अंदर मैक्म कैप कितना हो सकता है वन डेज का फर्स्ट बोर्ड मीटिंग इन से डेज के अंदर सेक्शन को है उनको एक साल में दो ही बोर्ड मीटिंग करनी है स्पेसिफाइड आई एफ एससी कंपनी को एक्साम्शन है उनको भी एक साल में दो ही बोर्ड मीटिंग करनी है और साथ ही साथ

हाँ कोरम पढ़ेंगे मजीद से पूरा कोरम पढ़ेंगे उस पर सेक्रेटरी सेनेट क्या कहता है वो सब भी पढ़ेंगे फिर चेयरमैन वेयरमैन जैसे छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे फिर 174 के बाद में ये 174 कोरम पढ़ेंगे उसमें छोटी मोटी चीजें पढ़ते रहेंगे एजेंडा वगैरह अटेंडेंस रजिस्टर ये सब पढ़ेंगे फिर आता है 175 पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन के रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन हो सकता है ये होगा उसके बाद में आएगा मिनट्स वन वन एट वन वन एट मिनट्स पढ़ेंगे और बस देखो, देखो 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 हां मिनट्स पे बहुत सारी बातें देखेंगे और उसके बाद में सैंपल मिनट्स आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और यहां पे चैप्टर खत्म हो जाएगा चैप्टर खत्म तो अब आपको क्या पढ़ना है हमने 173 पढ़ा है मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 174 पढ़ेंगे हम लोग 175 पढ़ेंगे 118 पढ़ेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा 100 परसेंट फोकस यहां पे चलिए यस yes. 174 कोरम एकदम अच्छे सेरम 174 कोरम 174 कोरम 174 कोरम क्या बात करता है ये 174 कोरम बात करता है कि कोरम एक कंपनी को अगर मीटिंग करनी, करनी है तो बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करते समय कितने लोग होने चाहिए कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर होल्डिंग कंडक्ट करने के लिए कितने लोग प्रेजेंट होना कंपलसरी है टोटल स्ट्रेंथ टू डायरेक्टर्स विच इज़ हायर वन थर्ड ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और टू डायरेक्टर्स विच इज़ हायर तो कंपनी के टोटल डायरेक्टर्स जितने भी हैं टोटल डायरेक्टर्स का वन थर्ड या फिर टू विच इज़ हायर वेरी इजी शेल बी द कोरम फॉर मीटिंग, तो सबसे आसान तो यही है हम सबको बताएर्ड और टू विच एवरेज हायर इज द कोरम नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुल अब बहुत सारी चीजें पड़ेंगी छोटी छोटी ठीक है और यहां पर ऑडियो विजुअल मीनस से अगर कोई अटेंड करे तो विल ऑल्सो भी काउंटेड बहुत ही अच्छी बात है सेक्शन 174 सेवेंटी फोर इज नॉट एप्लीकेबल टू ओपीसी इन विच देयर इज ओनली वन डायरेक्टर तो अगर कोई ओपीसी उसमें एक ही डायरेक्टर है तो वहां पर क्या कोरम करोगे आप

दुदु दुदु हा यह भी इंपॉर्टेंट है देखो याद आ रहा है क्या एक बार खुद से रीड करो देखो याद आ रहा है क्या रेगुलर बैच में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है याद आ रहा है क्या है? बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी करते हैं तो वो भी ये लेक्चर देख रहे होंगे चिंता की बात नहीं है सबको कंसडर करते हुए चलेंगे हम लोग

अरे आठ ही डायरेक्टर बचे हैं कोरम तो दस का है बट ये आठ लोग भी मीटिंग कर सकते हैं बट ओनली फॉर वन पर्पज फॉर वट पर्पज फॉर अपॉइंटिंग मोर डायरेक्टर्स या फिर आप जनरल मीटिंग कंडक्ट कर लो जनरल मीटिंग कॉल कर लो जनरल मीटिंग पर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो तो बोर्ड मीटिंग ऐसी रिमेनिंग डायरेक्टर्स से कर सकते हैं ओनली फॉर वन पर्पज फॉर अपॉइंटिंग मोर डायरेक्टर्स या फिर वी कैन से फॉर कंडक्टिंग अ जनरल मीटिंग वेर मोर डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड आई एफ पी अंडरस्टैंडिंग चलो बेटा जी जिस भी व्यक्ति को थोड़ा सा भी लिटिल लिटिल परेशानी होती है पीछे आके देखना रेगुलर बैच में नहीं, नहीं करके पंद्रह मिनट तक यही प्रोविजन पढ़ाता हूं यहां पे हमारे पास उतना समय नहीं है ना तो इसलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे आपका समय सबसे कीमती है कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप पीछे होके उसको वापस प्रोविजन को देखेंगे ठीक है नेक्स्ट द मीटिंग शेल बी ड्यू टू वॉन्ट ऑफ कोरम अगर कभी भी आपका कोरम नहीं है मीटिंग एडजर्न हो जाएगी द मीटिंग शेल बी हेल्ड ऑन द सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक ट ड नेशनल हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट एक्सीडिंग डे विच इज न सेम टाइम एंड प्लेस तो कभी भी अगर आपका कोरम नहीं है तो मीटिंग विल बी अर्जेंट टू द नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस सेम डे सब्जेक्ट टू द कंडीशन वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए उसके बाद में इफ द बोर्ड मीटिंग इज एर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम इफ द बोर्ड मीटिंग इज अर्जेंट फॉर वॉन्ट ऑफ कोरम एंड एट द एर्जेंट बोर्ड मीटिंग ऑल्सो नो कोरम इज प्रेजेंट वही हमने बोर्ड मीटिंग को एडजर्न किया कोरम नहीं था एडजर्न बोर्ड मीटिंग पे भी कोरम नहीं है द मीटिंग स्टैंड कैंसल्ड मीटिंग कैंसिल हो जाएगी समझ में आया नॉर्मल बोर्ड मीटिंग है कोरम नहीं है नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न एडजर्न मीटिंग पे भी कोरम नहीं है तो मीटिंग स्टैंड कैंसल्ड ठीक है एक छोटा सा पॉइंट जो स्टूडेंट स्किप कर देते हैं एडजर्न बोर्ड मीटिंग्स आर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल बोर्ड मीटिंग

आप कभी भी अपना मन एडजन कर सकते हैं ठीक है कोरम बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द द टाइम ऑफ ऑफ मीटिंग बट ऑल्सो आपने लाइन सुनी होगी कोरम मस्ट बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग वही लिखा है कोरम ऐसा नहीं कि शुरुआत में प्रेजेंट हुआ फिर एक एक करके डायरेक्टर जाने लग गए कोरम हैज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग कोरम हैजू प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग दिमाग में ध्यान रखना है बात उसके बाद में हम्म hmm. इधर आओ ये एक और चीज ध्यान रखो विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल वन ट्वेंटी ट्वेंटी टॉप टू थाउजेंड लिस्टेड एंटिटीज उनका कोरम क्या होगा टोटल स्ट्रेंथ और थ्री डायरेक्टर्स एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर समझना क्या कह रहा हूं मैं ये थ्री वाला प्रोविजन अलग है टॉप टू थाउजेंड लिस्टेड कंपनीज के लिए टॉप टू थाउजेंड लिस्टेड कंपनीज के लिए आपको ये याद नहीं रखना है

प्राइवेट कंपनी के लिए 174 सेवेंटी फोर शेल अप्लाई विद एक्सेप्शन दैट इंटरेस्टेड डायरेक्टर मे ऑल्सो काउंटेड टूवर्ड्स इंटरेस्ट से क्या होता है प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट किया, किया जा रहा है हर एक इंपोर्टेंट पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस करते हुए वापस आ रहे हैं क्या है कोरम की रिक्वायरमेंट क्या बोर्ड मीटिंग के लिए और एवर इज हायर ठीक है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल म्यूजिक कर रहा है उसको काउंट किया जाएगा फ्रैक्शन अगर होगा दैट विल बी राउंडेड ऑफ तो कोरम की रिक्वायरमेंट मान ली जाती है थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो इट विल बी कंसिडर एज फोर तो आप क्या करोगे तीन लोग और एक आदमी आधा हुआ आएगा नहीं ना तो यू नीड फोर अगर थ्री कर देते इसको नियरेस्ट पे आप कर देते तो वॉयलेशन हो जाता ना कह रहा है थ्री पॉइंट थ्री थ्री और आप थ्री को लेकर आ रहे हो नहीं तो थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो चाहिए ही चाहिए तो आपको फोर को लाना पड़ेगा तो राउंडिंग ऑफ किधर होगी टोटल का वन थर्ड होता है ना तो वीकेंड को हटा दोपल कंपनी में पंद्रह डायरेक्टर थे लेकिन दो ने छोड़ दिया दो वीकेंड हो चुके हैं तो ऑफकोर्स मीटिंग ऑफ कमेटी बहुत ही आसान है सेम लेता है बोर्ड जैसा क्या है

फिर छोटा सा पॉइंट आता है अटेंडेंस रजिस्टर कि आपके पास एक अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए हर एक मीटिंग की शुरुआत में हर एक बोर्ड मीटिंग की शुरुआत में अटेंडेंस ली जाती है सारे डायरेक्टर्स अटेंड हैं प्रेजेंट हैं एब्सेंट है ये सब लिखा जाता है कोई बड़ी बात नहीं है सेपरेट अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है बोर्ड मीटिंग कमेटी मीटिंग का ऑब्वियसली बात है ये सब इजी इजी पॉइंट्स है इसके अंदर तो कुछ परेशान नहीं करेगा आपको और अगर इलेक्ट्रॉनिकली अटेंड करे तो इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर को साइन करना पड़ता है बहुत बढ़िया प्रॉक्सी वॉक्सी नहीं चलती है यहाँ पे स रजिस्टर का प्रिर्वेशन रजिस्टर शैल एंड मे बी डिस्ट्रॉय ऑफ बोर्ड इट शेल बी इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी तो आठ सालों तक आपको अटर्न रजिस्टर संभाल के रखना है और किसी बात आता है कंपनी सेक्रेटरी के पास कोई परेशानी की बात नहीं चले लीव ऑफ एबसेंस ये क्या कह रहा है सुनना लीव ऑफ एब्सेंस शेल बी ग्रांटेड टू अ डायरेक्टर

कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है even with without उसने तो भी मुझे निकाल दिया जाएगा अगर मैं ट्वेल्व मंथ तक एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं करता हूं इफ अ डायरेक्टर नॉट अटेंड एनी बोर्ड मीटिंग फॉर पीरियड ऑफ ट्वेल्व उसको विकेट कर दिया जाएगा डायरेक्टर क्यों अगर बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो तो yes. इसके बाद में आता है आपके सामने एक प्रोविजन चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बहुत सा है भैया कि चेयरमैन क्या होगा जनरली चेयरमैन ऑफ द बोर्ड या फिर कमिटी होता है चेयरमैन अपॉइंटेड इलेक्टेड फॉर द मीटिंग सुनना इफ द कमी डॉट है चेयरमैन द डायरेक्टर में इलेक्ट वन ऑफ दैम ए चेयरमैन ऑफ द बोर्ड बहुत ईजी है कि आपको अपने में से किसी को चेयरमैन बनाना कपल्सरी चले पहले से आपको कुछ प्रोविजन बता चुका हूं वापिस को बता देता हूं कि भैया चेयरमैन होना कंपलसरी है अगर आपकी आ, कभी भी अगर मान लीजिए चेयरमैन का सबसे बड़ा पर्पस क्या है ये है इंपॉर्टेंट चेयरमैन का सबसे बड़ा पर्पस ये है कि अगर मान लीजिए कभी भी मीटिंग के अंदर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाते हैं आपका टाई हो गया है तो उसके इसमें चेयरमैन गेट्स अ सेकेंड से वोट चेयरमैन गेट्स अ कास्टिंग वोट टू तो एंश्योर कि हाँ डिसीजन मेकिंग हो जाए ज ए मोस्ट इंपॉर्ट रोल ऑफ ए चेयरमैन चेयरमैन अनिवार्य होता है मीटिंग के लिए कंपनी का चेयरमैन है तो वैसी को बोर्ड का चेयरमैन बना देते हैं और अगर आप चाहते हैं किसी और बना है तो आप तो मीटिंग में बोला था आपको क्या क्या पढ़ना है 173, of of 174, of 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 175, so, बस पेशेंटली बैठे रहो रेजोल्यूशन क्या होता है

कि कभी भी रेजोल्यूशन में सर्कुलेशन पास करने के लिए आपको पहले क्या करना होगा आपको सारे डायरेक्टर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पे आपको सारे डायरेक्टर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस पे सारे डायरेक्टर्स के रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर जो भी इंडिया का रजिस्टर्ड एड्रेस है में क्या लिखा था इन In इंडिया और आउटसाइड इंडिया इन इंडिया इंडिया के जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पूरा आपके क्या डिसीजन uh, लेना है उसके रेलिवेंट पेपर इन्फॉर्मेशन सब आपको उन सबको भेजना है उसी के बाद में सारी इन्फॉर्मेशन सबको पहुंचा देनी है पहले द सेट रेजोल्यूशन मजबी पास बाय मेजोरिटी डायरेक्टर मेंसन इंपॉर्टेंट पॉइंट वेन नॉट लेस देन वन थर्ड ऑफ दोटल्यूशन मजबी डेड एट अर्सन शेल पुडोन टू डाइडेड अफ द बोर्ड यह इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करते हुए नॉर्मली रेजोल्यूशन आप सर्कुलेशन से पास कर सकते हैं

तो आपको रिस्पॉन्ड करने का समय दिया जाता है ना कि कब तक आपको रिस्पॉन्ड करना है तो आपको दिन का ही समय दिया जाता है कि के अंदर आपको आपको करना है तो हमने ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दे दिया दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए और अगर हम स्पीड पोस्ट वगैरह से दे रहे हैं हैं तो दिन एडिशनल दे देते रूल आपको बताइए दो दिन एडिशनल दे देते दे दे हैं दो दिन पहुंचने में लगा ठीक है तो आज हमने डिस्पैच किए नौ दिन के अंदर नॉर्मल सात दिन है अगर डिस्पैच किए तो नौ दिन के अंदर वही ई वगैरह से बेची तो सात दिन के अंदर आपका रिस्पॉन्स जाना चाहिए सात दिन से ज्यादा का समय नहीं मिलेगा ंथन वाला रूल आपको बताई दिया है बहुत ईजी ठीक है यस yes. जब भी ऐसा रेजोल्यूशन पर सर्कुलेशन आता है तो आपको क्या करना होता है देखो बिलो द रेजोल्यूशन नियर द सिग्नेचर डायरेक्टर अप्रूवोलूश के वोट करें नॉट अप्रूवेंस्ट में वोट करते हैं is, अगर इसको लेकर वन थर्ड डायरेक्टर ने शुड भी डिसाइडेड मीटिंग बोल दिया मेजोरिटी वोटिंग ने अप्रूव बोल दिया तो डिसीजन अप्रूव मेजोरिटी वोटिंग ने नॉट अप्रूव दिया तो डिसूव एज इी एस दैट

वन मिनट कहता है कि हर एक कंपनी को प्रिपेयर करना है साइन करना है और कीप करने है अपने मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ एवरी मीटिंग ऑफ बी और एवरी कमेटी विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग एकदम ही आसान तरीके से हाईलाइट कर देते हैं यारों कि आपको इंश्योर करना है कि मीटिंग होने के थर्टी डेज के अंदर थर्टी डेज के अंदर आपके मिनट्स प्रॉपरली बन जाए साइन हो जाए और

मिनट्स uh, के अंदर कि ये रेजोल्यूशन थे इतने लोगों ने डायरेक्टर से अटेंड किया फेवर में वोट किया इतने डिसेंटिंग वोट किया स्पेशली जिन लोगों ने डिसेंटिंग वोट किया वो सब आपका एक्यूरेटली यहां पे लिखा होना चाहिए चेयरमैन के पास एक बहुत अच्छी पावर होती है मिनट्स के अंदर चेयरमैन हैज दी एक्सक्यूज चेयरमैन हैज एक्सक्लूसिव पावर फॉर इक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द मिनट्स तो मिनट बुक को देख के अगर चेयरमैन को लगता है इंक्लूड करना चाहिए या फिर इसमें से ये चीज को एक्सक्लूड करना चाहिए तो चेयरमैन है एक्सक्लूसिव पावर टू इंक्लूड समथिंग और एक्सक्लूड समथिंग यह सब करने की चेयरमैन के पास पावर है ठीक है उसके बाद में एस एस वन के अंदर मिनट की बात की हुई है? Minute, सारी मार्क कर लेंगे हम लोग इट कैन बी मेंटेन इन फिजिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इट शुड भी कॉन्सिकेटिवली नंबर वेरी इंपॉर्टेंट मिनट्स के सारे पेजेस कॉन्सिकेटिवली नंबर्ड होने से बीच में नहीं किया बाद में एक आपने कर दिया। नहीं कर सकते द पेजेस शुड भी कॉन्सिकेटिवली नंबर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कर सकते हैं चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है टाइम स्टैंप में कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है इट कैन बी मेंटेन इन लूजली फॉर्म बट शेल बी बाउंड पीरियडिकली आप चाहे तो लूजली फॉर्म में पेजेस में भी कर सकते हैं बट टाइम टाइम उसका बाइंडिंग कराना कंपलसरी हो जाएगा यह कहां पे रखा जाएगा इट शेल बी कैप्ट एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इट शेल बी कैप्ट एट योर रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस एज अप्रूव बाय बोर्ड ये वैसे तो आपके रजिस्टर ऑफिस पे रखा जाएगा या फिर आप कहीं और भी रख सकते हैं एट एनी अदर प्लेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड आई डोंट नो अच्छे से काम क्यों नहीं कर कि ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया ठीक है कंटेंट अब कंटेंट यहां पे हम लोग ऑफकोर्स नहीं पढ़ेंगे मिनट्स के अंदर आपके पूरे मीटिंग के सारे इंपॉर्टेंट एरियाज रहेगा उनका मस्ती से बैठो कोई चिंता की बात नहीं है यस 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 हाँ हाँ सो so,

मिनिट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बी और कमिटी कैन भी इंस्पेक्ट बाय डायरेक्टर कोई भी डायरेक्टर मिनट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिनट शेल बीवन ओनली एंटेड इन मिनट बुक हाउ एवर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिजल्यून पास इन एट द मीटिंग में टेक्स ऑफ द रिजोलूश द मीटिंग ठीक है क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले डायरेक्ट मिनिट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है

मैं अगर डायरेक्टर ऑफ कंपनी का नहीं भी हूं तो भी मैं मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सकता हूं तो डायरेक्टर एज राइट टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक मैं अगर कंपनी का डायरेक्टरशिप छोड़ चुका हूं तो भी मैं पहले के मिनट्स बुक के डायरेक्टर जो डायरेक्टरशिप के हमारे डायरेक्टर्स के बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बुक है उसको मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूं कोई परेशानी की बात नहीं है उसके बाद में द कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और सेक्रेटरी ऑडिटर स्टेटरी ऑडिटर कॉस्ट ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट द मिनट्स एज ही मे कंसिडर नेसेसरी तो हमारे डायरेक्टर्स मिनट बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इट ऑल द ऑडिटर्स ऑडिटर्स ऑडिटर्सिटर्स ऑडिटर्स ऑल ऑफ ऑडिटर्स इंटरनल ऑडिटर दीज इंस्पेक्ट द मिनट बुक वेरी इजी वेरी 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 इजी चल इट इज अ ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी उसको ध्यान रखना है कि मिनट बुक इज नॉट म्यूटिलेटेड और इन एनी वे टेम्पर्ड विद बाय द पर्सन इंस्पेक्टिंग ऑफकोर्स जो व्यक्ति इंस्पेक्ट कर रहा है वो इन्हीं के तोड़ मरोड़ के चला जाए तो ये सीएस की ड्यूटी का ध्यान ए ए ए सीधे गंदे हाथ मत लगाओ ए ए हटाओ हटाओ हटाओ, हटाओ समोसा दूर खाओ तो ये सारा काम हमारा सीएस करेगा बहुत ही बढ़िया बात है स्पेसिफिक बात मेंबर ऑफ द कंपनी इज नॉट इंटायरल टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक ऑफ द बोर्ड बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की जो बुक है वो कौन इंस्पेक्ट कर सकता है डायरेक्टर्स और उसके बाद में सारे ऑडिटर्स मेंबर ऑफ द कंपनी डज नॉट हैव द राइट टू इंस्पेक्ट द मिनट बुक ऑफ डायरेक्टर ये स्पेशल पॉइंट है ध्यान रखना है

अगर एक व्यक्ति को पकड़ा गया कि वो मिनट बुक के साथ में टेम्परिंग कर रहा था देन द पर्सन कैन ऑल्सो भी इंप्रेजेंट विच में एक्सटेंड टू टू ईयर्स और विद फाइन विच विल नॉट बी लेस देन

173 talks about of 174 आपको सैंपल मिनट मिलते हैं सारे के सारे ठीक है सैंपल मिनट्स वगैरह जाते हैं फिर ड्यूटी सेक्रेटरी आती है बिफोर द मीटिंग क्या रहेगी एट द मीटिंग क्या रहेगी आफ्टर द मीटिंग क्या रहेगी सब रेगुलर बैच में ऑफ पूरा चार्ट वार्ट बना के पढ़ा हुआ है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हो तो उसके बाद में यहाँ पे आपका चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है तो इस चैप्टर के अंदर मैं अगर स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज बात करता हूं तो हमने बात किया है अगेन वन

आशा करता हूं कि दिस इंटायर रिविजन दिस इज रियली 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 हेल्पिंग यू आप पूरा चैप्टर अगर हम इस पूरे चैप्टर कहते हैं तो आई थिंक आई थिंक आई थिंक वन आर के अंदर ये

Which will be able to stop you. And we've tried to cover the entire thing in the least possible time. And thank you so much for your nice, nice patience. Thank you so much. bye.